की उम्मीदवार बनके अटेली विधानसभा से आप सभी से आपका साथ आपका आशीर्वाद मांगना है। जैसे मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं आज के दिन, सब पूछते हैं कि आरती तू करेगी कैसे, तूने अकेली क्यों चुनी, सभी पूछते हैं। तो मैं एक चीज फिर से स्पष्ट करना चाहूंगी, राजनीति तो मैंने यहाँ राव साहब से ही सीखी है कि लोगों से ईमानदारी से हमेशा उनके सम्मान करो, तभी सम्मान आपको वापस मिलेगा। तो आज के दिन मैं अटेली इसलिए चुना है कि सबसे पहले तो लंबा एक रिश्ता रहा है हमारा और अटेली के बीच में, हमारे परिवार का। आज मेरे दादाजी की बरसी है लोग, तो सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ और ये कहूंगी कि दादाजी पहली बारी 1967 में अटेली विधानसभा जीत के गए और आप सभी की वजह से आज तक दक्षिण हरियाणा में एक ही चीफ मिनिस्टर मिला है और वो थे राव वीरेंद्र सिंह जी, और वो अटेली वासियों की वजह से क्या है 2009 के परिसीमन के बाद। और उन राव बड़े राव साहब का और राव इंद्रजीत सिंह जी का दोनों को पहली बारी भेजने का काम आज अटेली विधानसभा ने ही किया था। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने मेरे पिताजी और दादाजी को पहली बारी विधानसभा भेज दिया, आप मुझे भी भेज दो। कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं आई हूं एक लंबी बारी खेलने, मेरे सफर की शुरुआत है आज के दिन और मैं ये वादा करती हूं कि हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी सुख दुख। तो आने वाली 5 तारीख को मेरी आप सभी से इंतजार है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले, लाभ नहीं हो रही है, गर्मी बहुत है, मगर फिर भी दिन में 10 मिनट निकाल कर, ये चुनाव है 5 साल में एक बार ही आता है, इसको मनाना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सभी निकलें, कमल के फूल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार लाएं और आरती को विजय बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। जी है, बिल्कुल है, और मैं बिल्कुल डोंगरा ईद के साथ हूँ, अटेली के साथ हूँ। काफ़ी वर्षों 4 वर्ष हो गए कि वो मांगते रहे 2020 से कि हमें उनकी तहसील मिलनी चाहिए, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं और मैं विजयी होती हूँ तो मैं सबसे पहला काम यही करूँ। जी मैं तो ये मानती हूँ आज के दिन, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि इलेक्शन के तो 3 दिन रह गए हैं और मैं ही फर्स्ट पोजीशन में रही हूँ डे 1 से, सेकंड में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मैंने ये कहा था कि जब 2014 के अंदर हमारी पार्टी पहली मरतबा विजयी हुई थी, मेजॉरिटी आई थी, उस टाइम की अध्यक्षता के अंदर पार्टी हुई थी, तो उम्मीद तो हम इस एरिया को थी कि कोई इस एरिया का चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पार्टी ने किसी और को बना दिया। तो इसी चीज़ का मैंने जिक्र किया था कि अभी भी लोगों की आशाएं हैं कि ये एरिया जब किसी पार्टी को बनाने के अंदर अपना पूरा फुल सहयोग देता है, 36 बिरादरी मिलकर के सहयोग देती हैं, तो कभी तो हमारा इस क्षेत्र का भी नंबर आना चाहिए। देखो शीर्ष नेतृत्व ने इस बार तो हमारे कहने से कई टिकटें दी हैं, और अगर इस बार हमारी पार्टी विजयी होती है और हमारे को नंबर मिल जाते हैं तो शायद इस बार हमारा नंबर आ जाए। देखो मैं नया था और शायद ये वजह हो सकती है कि नए आदमियों को बाद के अंदर ठोक ठोक के बजा बजा करके देखने के बाद फिर वो कोई ऐसा वादा दें, लेकिन हमारे पंडित जी तो पुराने थे, उनका कारण उनसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं आपका राम अहिरवाल से भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि अहिरवाल शुरू से ही बीजेपी का और जनसंघ का गढ़ रहा है। 2013 में आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह को मैंने निवेदन किया और बीजेपी में लेके आए, और 2014 में हरियाणा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और इस बार 2024 है, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम पर 2024 का चुनाव बीजेपी जीत रही।